अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। यहाँ पे बेबी विल सो गया है और हादी को कार्टून्स मैंने लगाए, तो मेरे लिए मौका था कि मैं जल्दी जल्दी से अपना फूड प्रेप्स कर लूँ। तो आप लोगों ने यकीनन पार्ट वन तो देखा होगा, अब पार्ट टू की बारी है। तो पार्ट टू में जो है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जो बकिया मेरे काम थे तो मैंने किस तरह किए। यहाँ पर जो है तो मैंने अपना सारा जो सामान था वो गैदर किया, जैसे कि धनिया, पुदीना, लहसुन, सॉल्ट और बस ये चीज़ें, और हाँ मिर्ची यकीनन। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। ब्लेंडर भी साथ मैंने रखा है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चटनी। और मेरे पास ये हैक जो है तो बहुत ही मज़े का है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। आप भी चटनी ऐसे बनाएं और इसको जो है तो अपने आइस क्यूब्स में डाल के इसको फ्रीज करें, तो ये बहुत ही मज़े की चटनी बनेगी। और चटनी बनेगी, पश्तो में हम चटनी बोलते हैं ना, तो इसको उर्दू में चटनी बोलते हैं। व्हाटएवर, आप लोग को समझ आ ही गया होगा। खैर, मुझ पे कमेंट्स भी आए हैं कि मेरी उर्दू बहुत ही इम्प्रूव हुई है, तो थैंक यू सो मच। और वो मैंने चटनी बना दी। और यहाँ पर जो मैंने बीफ वाले शानी कबाब थे तो उनको फ्रीज़ किया था ऐसे ट्रे में, और अभी मैं रखूँगी इनको अपने जिप लॉक बैग में। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये साजिद ने जिस तरह केयरलेसनेस के साथ रखे थे तो वो बीच बीच में टूट भी गए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी हालत में है। यहाँ पर मैं ज़िपलॉक पर बीफ शामिल लिखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये गीला था तो लिखा नहीं। खैर, हो गया। अभी यहाँ पर मेरा जो धनिया है, तो ये हैक नंबर टू मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इसको अच्छे से धो लें, फिर इसको काटें और फिर इसको पेपर टॉवल पर स्प्रेड करिए, ताकि इसका जो पानी है तो ये ड्राई हो जाए, और आप फिर खानों पे गार्निश करने के लिए डाइन को फ्रीज़ करके आप लोग रख सकते हैं, वरना तो फ्रिज में ये ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही मैं कर रही हूँ और आप लोग को भी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो आप लोग भी जाके ऐसे करें और ज़रूर खानों को प्रेजेंट करें। यहाँ पर मैं चना दाल और रेड बीन्स को सोक कर रही हूँ पानी में, ताकि मैं इनको बॉयल कर सकूँ। और यहाँ जो है बेबी विल काफ़ी रो रहा था, तो बस उस और ये मुश्किल सा टास्क मेरा स्टार्ट हो गया है। 2.4 kg वाला चीज़ मैं लेकर आई हूँ चेडर, और ये जो हूँ तो मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। 2000 years later हाय, बहुत थकान के बाद ये एक ही बैग मेरा रेडी हो गया है और दूसरा भी होगा। अब आप लोग जो है तो मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें, और मिलेंगे नेक्स्ट बहुत से अच्छे व्लॉग में। टेक केयर।